हेलो एवरीवन। तो आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स का, यानी कि सुपर सीरीज। इस सीरीज में हम लोग काफ़ी कॉन्सेप्ट समझेंगे और थ्योरेटिकल बेस पर हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। अगर आप सीबीएसई के हो या किसी भी स्टेट बोर्ड का तैयारी कर रहे हो तो इस चैनल के जरिए आप काफ़ी कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। इसके लिए आपको इस चैनल पर बने रहना पड़ेगा। तो आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यू जर्नी, न्यू कॉन्सेप्ट। तो आज एक क्लास में बहुत बेसिक चीज़ बताएंगे, जैसे चार्ज के बारे में बताएंगे। ट्वेल्थ फिजिक्स का पहला चैप्टर क्या है? चैप्टर वन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आप लोगों ने क्लास 10th में चार्ज के मोशन के बारे में पढ़ा होगा कि जब चार्ज फ्लो होता है, इट मीन चार्ज का मोशन होता है, तो वो करंट प्रोड्यूस करता है। लेकिन इस चैप्टर में जितनी भी सारे कॉन्सेप्ट होगा वो चार्ज रेस्ट पर होगा। सबसे पहले जानते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का मीनिंग होता है, देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इस ब्रांच ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स में उस ब्रांच की बात करते हैं, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ पहला इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में स्टडी करते हैं। फिजिक्स के जिस ब्रांच में हो, या आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो, या इलेक्ट्रिक फील्ड हो, या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो, इसके बारे में स्टडी करते हैं। फिजिक्स के जिस ब्रांच में, वो होगा आपका क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब किस वजह से? ड्यू टू, ये सब स्टडी करते हैं ड्यू टू चार्ज, चार्ज की वजह से। वो चार्ज जो आपका रेस्ट पे होगा, उस चार्ज के बारे में, जब चार्ज रेस्ट पर होगा तो इसके बारे में स्टडी करना ही हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक होगा। यहाँ पे एक वर्ड आया, चार्ज। चार्ज के बारे में आप लोग समझ में आया होगा। चार्ज किसी भी बॉडी का एक प्रॉपर्टी होता है। चार्ज क्या होता है? किसी बॉडी का एक प्रॉपर्टी होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होगा? आप लोगों ने इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में सुना भी होगा। किसी बॉडी का प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी है ना, इसको हम कह सकते हैं दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी। किसी प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी या मटेरियल हो गया या सबस्टांस हो गया। जो चार्ज जो एक्सपीरियंस करता है क्या? फोर्स। विच एक्सपीरियंसेस अ फोर्स, जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उसी को हम इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। ये प्रॉपर्टी बॉडी के अंदर में ऐसा प्रॉपर्टी आता है फोर्स एक्सपीरियंस करने का काम करेगा। जैसे एग्जांपल के जरिए मैं समझाऊंगा कि अगर एक मेरे पास दो गिलास रड है, ठीक है, दो गिलास रड से, और मैं वन एक लेता हूँ दूसरा मटेरियल सिल्क क्लॉथ, ठीक है, सिल्क का कपड़ा। वैसे आप लोग बचपन में किया गया, सूखे बाल से हम कॉम को, कंघी को रब करते हैं, छोटे छोटे टुकड़े के पास ले जाते हैं कागज के, पेपर के, तो वो पेपर जो है वो कॉम की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो हमने उस टाइम पे रब किया दोनों को, तो दोनों ऑब्वियसली ये भी एक ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट। जैसे रब किया तो एक के अंदर में चार्ज का ट्रांसफर हुआ है, एक पॉजिटिव चार्ज हो गया, एक निगेटिव चार्ज हो गया। अब समझेंगे कि जब वो बॉडी जैसे ही हमने रब किया तो वो चार्ज हो गया, इट मीन्स क्या? इसका मतलब ये हुआ कि वो दूसरे ऑब्जेक्ट को रिपेल करने का या अट्रैक्ट करने का कैपेसिटी आ गया उसके पास। ये होता है प्रॉपर्टी ऑफ रिपेलिंग एंड अट्रैक्टिंग द ऑब्जेक्ट, ये होता है चार्ज। देखो, दो गिलास रड हमने लिया, ठीक है, वन गिलास रड को हमने सिल्क क्लॉथ के साथ रब, इसके साथ रब किया, है ना, हमारा काम क्या? रब करना, दोनों को रब किया। एक और ग्लास रड है ये, इसको अच्छे से, दोनों ग्लास रड को अच्छे से सिल्क क्लॉथ के साथ हमने अच्छे से रगड़ लिया, रब किया। उसके बाद क्या होगा? इन दोनों के बीच में एक्सपीरियंस, फोर्स एक्सपीरियंस करने के एबिलिटी आ जाएगा, क्योंकि जब दोनों ऑब्जेक्ट को, दोनों ग्लास रड को जब पास लाएंगे ना, तो दोनों ऑब्जेक्ट क्या होगा उस टाइम पे? एक दूसरे से दूर भागेगा, बल्कि वो उस कॉन्टैक्ट में नहीं है, थोड़ा सा स्टैंड में, थोड़ा डिस्टेंस पे, फिर भी वो एक दूसरे से क्या होगा? रिपेल हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी ऑफ फोर्स ऑफ रिपेलिंग आया है उस दोनों ऑब्जेक्ट के अंदर में। ये इसका मतलब है कि इन दोनों ग्लास के रॉड के अंदर में चार्ज, वैसे चार्ज क्रिएट नहीं होता है, मतलब ये दोनों बॉडी क्या हो गया? चार्ज हो गया। प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है जो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर सकता है, रिपेल कर सकता है, इसी के बारे में हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, इसी कॉन्सेप्ट पे बिहाफ पे हम लोग इस चैप्टर के बारे में समझेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक।
ठीक है, चलो बात करते हैं टाइप्स ऑफ चार्ज। टाइप्स ऑफ चार्ज क्या होते हैं पहले जान लें, चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है। आप लोग बेसिक चार्ज चीज जानते भी हो, क्लास 10 में पढ़े भी होंगे। चार्ज का एसआई यूनिट, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, सिर्फ इसमें मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होता है। साथ साथ हम बात करेंगे एसआई यूनिट की, तो मैग्नीट्यूड है तो ऑब्वियसली उसको मेजर करेंगे किस में, कूलम्ब में, सी कूलम्ब में मेजर करेंगे, ठीक है। डायमेंशन भी होता है इसका, मैं डायमेंशन बता देता हूँ। क्लास 11th में आप लोगों ने डायमेंशनल पढ़ा होगा, हर एक फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल होता है। तो चार्ज के लिए हम जो निकालेंगे डायमेंशनल, तो चार्ज का फॉर्मूला होता है क्यू इक्वल्स टू आई इंटू टी, ठीक है, ये होता है चार्ज का फॉर्मूला। तो यहाँ से डायमेंशन निकालेंगे क्यू का, आई का एम्पियर, टाइम का, आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं यहाँ नोट करता हूँ। चार्ज का डायमेंशन, चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, एसआई यूनिट चार्ज का, कूलम, सी डायमेंशन, एटी क्योंकि फॉर्मूला होता है क्यू इक्वल्स टू आई इंटू टी, तो आई करंट एम्पियर और टी टाइम हो जाएगा, ये होता है डायमेंशन, ठीक है। चलिए तो बेसिक चार्ज, और चार्ज दो तरह का होता है, टू टाइप्स ऑफ चार्ज है, चलो इसके बारे में डिस्कस। टू टाइप्स ऑफ चार्ज होता है, दो तरह का चार्ज होता है, दोनों के बारे में अच्छे से समझते हैं। टाइप्स ऑफ चार्ज, इसमें एक वो चार्ज जो प्लस में होगा, पॉजिटिव चार्ज, टाइप्स होते हैं पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज, एंड निगेटिव चार्ज, ठीक है, दो टाइप्स के चार्ज होते हैं। इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ चार्जिंग का कॉन्सेप्ट समझो, एक्चुअल में जितने भी मैटर होता है वो एटम से बना होता है, और हर एक एटम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन फंडामेंटल पार्टिकल से बने होते हैं। तो इसमें इलेक्ट्रॉन का जो थ्योरी होता है, इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में उसके जो ऑटोमोस्ट ऑर्बिट में या किसी भी सेल के अंदर में जो रिवॉल्व करते हैं उसी के अकॉर्डिंग हम लोग समझते हैं पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस। सपोज मैंने एक कार्बन एटम लिया जिसके पास 6 प्रोटॉन होते हैं उसके न्यूक्लियस में, ठीक है, 6 प्रोटॉन इसके न्यूक्लियस में, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, सेकेंड सेल में 4 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन हो गया। जब ऑब्वियसली ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, इलेक्ट्रॉन लॉस करने का मतलब ये हुआ इसके प्रोटॉन में कोई चेंज नहीं आएगा, जितना प्रोटॉन है वही रहेगा, फर्स्ट सेल में भी इलेक्ट्रॉन उतना ही रहेगा, जो लास्ट सेल है लास्ट ऑर्बिट है उसमें इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया गया, इट मीन्स कि 3 इलेक्ट्रॉन हुआ। तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, देखो 5 प्रोटॉन के साथ 5 इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा आ गया इसके अंदर में, एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा है, 5 प्रोटॉन के साथ 5 इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, तो एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा होने की वजह से ये जो एटम बन गया है ये क्या बन गया, पॉजिटिव चार्ज, इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ गया। अगर कोई इलेक्ट्रॉन गेन करता है ना, सपोज यही इलेक्ट्रॉन गेन करता, एक इलेक्ट्रॉन गेन करता, तो इसके पास ऑब्वियसली 6 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो 7 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से वो निगेटिव चार्ज हो जाएगा। इस तरह से इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ चार्जिंग में समझते हैं चीज़ों को। जब दो बॉडी को ग्रुप करते हैं तो ऑब्वियसली हर बॉडी के पास चार्ज न्यूट्रल होता है, इट मीन्स कि पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज सेम होते हैं। जब रब करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है या इलेक्ट्रॉन का गेनिंग होता है, दो प्रोसेस होता है। जो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देगा ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज बनेगा क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन कम हो गया, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, और जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है ऑब्वियसली उसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया, प्रोटॉन कम हो गया। वैसे आप लोगों ने बचपन में किया होगा कि सूखे बाल से कंघी को अच्छी तरह से रब करते हैं तो उसके पास प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग स्मॉल बिट ऑफ पेपर, स्मॉल बिट ऑफ कागज के छोटे छोटे टुकड़े को अट्रैक्ट कर लेता है। इसका क्या कारण होता है, तो इसका मेन कारण क्या होता है, एक्चुअल में जब हम कॉम को ड्राई करते हैं, इफ कॉम इज रब्ड, थ्रू ड्राई हेयर, सूखे बाल से, एक्चुअल में जो कॉम होएगा आपका वो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाएगा। अब चार्ज कौन से प्रोसेस से बता रहा हूँ,
एक्चुअल में जो सूखे बाल से हम कंघी को रब करते हैं तो दोनों के बीच में फ्रिक्शन होता है, तो उस फ्रिक्शन की वजह से कॉम क्या होगा, कंघी क्या होगा, इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाएगा। यहाँ पे कौन सा चार्जिंग होगा, प्रोसेस होगा चार्जिंग बाय फ्रिक्शन या इलेक्ट्रिफिकेशन भी कहते हैं। ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ा है पेपर का, नॉन कंडक्टिंग पेपर है, ठीक है, बहुत छोटा टुकड़ा, आपने काफ़ी बचपन में किया भी होगा, ये कॉम हो गया, छमना या जय वैसे ठीक है कॉम है तो, है ना। तो हमने एक कंघी को छोटे छोटे टुकड़े के पास लाए, रब करने के बाद तो ये चार्ज हो गया। अब इसके पास ये जो पेपर होगा नॉन कंडक्टिंग पेपर, ये पोलराइज्ड हो जाएगा। कब हो जाएगा पोलराइज्ड, इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज जो कॉम के अंदर में हुआ है उसकी वजह से ये पेपर पोलराइज्ड हो जाएगा, जिसकी वजह से ये पेपर क्या हो गया, जो छोटे छोटे टुकड़ा है ये कॉम की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, यही कारण होता है। हाँ, अगर ये भी पॉसिबिलिटी है कि अब क्या होगा, अगर हम गीले बाल से मतलब वेट हेयर से अगर हम कंघी को रगड़ेंगे और कागज़ की टुकड़ी के पास लाएंगे, क्या ऐसे सिचुएशन में पेपर का टुकड़ा इसके पास अट्रैक्ट होगा, एक बार आप लोग ज़रूर ट्राई करना। नहीं होगा, क्योंकि सूखे बाल में क्या होता है, फ्रिक्शन बढ़ता है जिस वजह से चार्जिंग होती है ये, लेकिन भींगे बाल में फ्रिक्शन डिक्रीज होता है। अगर वेट हेयर रहेगा हम लोगों का, भींगा हुआ बाल रहेगा तो फ्रिक्शन दोनों के बीच में, हेयर और कंघी के बीच में जो फ्रिक्शन होगा वो फ्रिक्शन क्या होगा, डिक्रीजेज हो जाएगा, जिसकी वजह से वो चार्ज होगा ही नहीं और पेपर को नहीं टुकड़ा है। सूखे बाल में ऐसा होता है क्योंकि उस टाइम पे सूखे बाल में फ्रिक्शन ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे चार्जिंग बाय फ्रिक्शन हुआ जिसकी वजह से चार्जिंग बाय आपका इंडक्शन भी हो, चार्जिंग बाय कंडक्शन भी होता है। टैप वाटर जो होता है नल का पानी, तो नल के पानी ये हो गया, ठीक है, टैप वाटर हो गया, नल से पानी निकल रहा है। और जैसे ही पानी निकल रहा है, जैसे ही हम कोई चार्ज बॉडी चार्ज करने का रब करने के बाद चार्ज बॉडी को अगर हम इसके पास ले जाएंगे, तो इसका जो वर्टिकल फ्लो हो रहा है पानी जो नीचे की ओर गिर रहा है, उसका रास्ता थोड़ा सा डिवीट हो जाएगा, डाइवर्ट हो जाएगा। ये क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमने बॉडी को चार्ज बॉडी को इसके पास लाया, तो वो पोलराइज्ड हो जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ चार्ज की वजह से वो पोलराइज्ड हो जाएगा, जिसकी वजह से वो डिवीएट हो जाता है, डाइवर्ट होता है। होप सो क्या कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। चार्जिंग बाय चार्ज दो तरह के होते हैं। अगले क्लास में हम लोग चार्ज के बारे में प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे और कूलम्स लॉ पढ़ेंगे।